अच्छा बेटा, आज हमने मेटालिक बॉन्ड स्टार्ट करना है और सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें पहले पिछले लेक्चर की बेटा रिवाइज करवा दूं, आप लोग मुझे आंसर देंगे। बेटा ये बताएं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसके दरमियान बनता है, मतलब किन एटम्स के दरमियान, बिटवीन टू नॉन मेटल्स, बिटवीन टू मेटल्स या बिटवीन टू आयंस? कोवेलेंट बॉन्ड टू नॉन मेटल्स, बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। ओके, अब बेटा मुझे ये बताएं जो आयोनिक बॉन्ड है, आयशा आपने आंसर देना है, आयोनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस। जी बेटा, टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस। और बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर अमोनियम कंपाउंड को आप निकाल दें तो आप ये कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है जी, इसी तरीके से तीसरा है हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड जो आज हमने पढ़ना है। बेटा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा बिटवीन मेटल्स, बिटवीन मेटल्स, मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो मेटेलिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल बेटा सोडियम इज मेटल, तो जो सोडियम होगा इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होगा। मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो मेटेलिक होगी। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे। तो बेटा अब हमने आज मेटेलिक बॉन्ड पढ़ना है, तो सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें। मैं आपके सामने ना बेटा सोडियम मेटल का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। बेटा ये बता दें पीरियोडिक टेबल को देखकर कि जो सोडियम होता है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। बेटा सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीरियोडिक टेबल देखें किस ग्रुप में है। वन। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? वन। एक इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल ठीक है। ये बेटा सोडियम एटम्स आपको नजर आ रहे हैं और ये बेटा सोडियम एटम का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये देखिए। अच्छा बेटा देखें, सोडियम इज अनस्टेबल ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो मेटल क्या करेगा बेटा, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या नहीं करेगा बेटा? ये जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या उसको लूज करेगा? नहीं। क्यों बेटा? सोडियम जो है, मेटल जो है, क्या इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता टू गेट द स्टेबिलिटी? इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? वन। तो स्टेबल होने के लिए ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना जी। तो ये आपके पास सोडियम जो है, यहां से आपको समझ आए कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो जब बेटा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये देखो ये सोडियम प्लस वन हो गया जी, ये सोडियम भी प्लस वन हो गया, ये सोडियम भी प्लस वन, ये सोडियम भी प्लस वन, ये सोडियम भी प्लस वन, ये भी प्लस वन, ये भी प्लस वन, ये भी प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन। और बेटा ये जो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, ये जी, ये सोडियम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए। अब बेटा आप देखिए, ये असल में मेटल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये बेटा मेटल का स्ट्रक्चर है, कोई भी आप मेटल देख लेना तो उसके अंदर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा कि पॉजिटिव आयंस होंगे। मेटल में कौन सी दो चीजें होती है बेटा, आपसे जब ये बात आपने याद रखनी है जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूं, मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक, मेटल के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव आयंस होते हैं, और दूसरी चीज बेटा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज। तो बेटा आप देखें, आपको ये जो मेटल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, कहां पर? इस पॉजिटिव आयन और इस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन में। डीलोकलाइज का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अच्छा मूव क्यों कर रहा है उसकी रीजन बताते हैं। बड़ा इलेक्ट्रॉन इसलिए डीलोकलाइज है, इसलिए मूविंग है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को ना, ये जो बेटा मैं मार्क किया येलो कलर से, इस एक इलेक्ट्रॉन को सारे पॉजिटिव आयन अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कभी इधर कभी दूसरी साइड पर चला जाएगा। इसी तरह जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको भी तमाम पॉजिटिव आयन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कभी ये राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ये मूव करता रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या
डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है जी, मेटल के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव आइंस होते हैं। तो मेटल के स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, पॉजिटिव आइंस एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटालिक बॉन्ड कहां पर है भाई, व्हाट इज वेयर इज द मेटालिक बॉन्ड? तो मेटालिक बॉन्ड बेटा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपको डॉटेड लाइन से नजर आ रही है, दैट इज द मेटालिक बॉन्ड। तो इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा आपको समझ आ रही है इसकी डेफिनेशन या नहीं। ये मैं लिखता हूं, आपने मुझे बताना है। मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये है कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके दरमियान? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिव आइंस एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आइंस एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। बेटा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहना बहुत लाजमी है, पॉजिटिव आइंस का मेंशन करना बहुत लाजमी है, और इसके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। तो दिस इज द मेटालिक बॉन्ड। अच्छा बेटा एक और चीज, मैं पहले मुझे ये बताएं, ये डेफिनेशन समझ आ गई है मेटालिक बॉन्ड की जी? जी बेटा। अच्छा अब आपको वो क्वेश्चन के अंदर, आप जब पास पेपर सॉल्व करेंगे उसमें जगह जगह आपसे ये कहेगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मेटल, कि किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो आपने कैसे ड्रॉ करना है सुने, आपको मैं बता चुका हूं कि मेटल में पॉजिटिव आइंस होते हैं, तो आप इस तरह पॉजिटिव आइंस ड्रॉ करेंगे, और बेटा यहां पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन लेबल कर देंगे कि ये जी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपके पॉजिटिव आइंस हैं, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द मेटालिक बॉन्ड। जी बेटा बताइएगा, क्लियर मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन जी? अच्छा अब दूसरी चीज के मेटल्स के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, आपके ख्याल में इसका सिंपल स्ट्रक्चर होगा जॉइंट या जॉइंट स्ट्रक्चर होगा? तो बेटा याद रखें, मेटल के अंदर ना, जितना आपके पास सोडियम मेटल है, सपोज आपके पास एक सोडियम मेटल का पीस है, या आपके पास आयरन है बेटा, आयरन वायर तो आप लोगों ने सबने देखी होगी, आयरन या कॉपर वायर, कॉपर वायर तो बेटा देखी होगी। अब कॉपर वायर में कॉपर के कितने एटम्स हैं या आइंस हैं, वो तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इस बिना पर, क्योंकि मेटल्स के अंदर भी जो पॉजिटिव आइंस हैं वो काउंटेबल नहीं है, वो फिक्स नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सोडियम का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें बस यही जो है आपके पास 12 आइंस होंगे, नहीं भाई, आप बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें ज्यादा आइंस होंगे, छोटे स्ट्रक्चर में कम आइंस होंगे, तो ये कोई फिक्स नहीं है पार्टिकल्स की तादाद। तो इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि ऑल मेटल्स हैव जॉइंट का मतलब है बिगर, जॉइंट का मतलब है कि नंबर ऑफ आइंस आर नॉट काउंटेबल, ठीक है। तो ऑल मेटल्स हैव जॉइंट एंड लैटिस स्ट्रक्चर, बेटा जितने भी मेटल्स हैं इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, जॉइंट होंगे, जॉइंट स्ट्रक्चर हैं, और इनके लैटिस स्ट्रक्चर हैं। लैटिस का क्या मतलब होता है भाई, कि रेगुलर अरेंजमेंट। मैं अभी आपको चलें गूगल पर दिखाता हूं किसी भी उसका बेटा स्ट्रक्चर, ना किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, आप देखिएगा आपको उसमें एक सिमेट्री भी नजर आएगी, रेगुलर अरेंजमेंट भी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी काउंटेबल नहीं होंगे। ये बेटा देख ले चले, ये जो आपको नजर आ रहा है पॉजिटिव और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, बड़े ही आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बिल्कुल स्क्रीन की राइट साइड पर, देखें जिंक और सोडियम का जी। अब देखिए ये दोस्तों थोड़ा सा बनाया हुआ है ना, इसमें
एक तो रेगुलर अरेंजमेंट होगी, रेगुलर अरेंजमेंट किसकी होगी भाई, आइंस की। आइंस तो रेगुलरली अरेंज है ना, एक सीक्वेंस में आप देख रहे हैं पॉजिटिव आइंस जो है एक लाइन में अरेंज हो रहे हैं, तो आइंस की रेगुलर अरेंजमेंट भी है इन थ्री डायमेंशन और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी है। इसलिए लैटिस में क्यों कह रहा हूं, आप और स्ट्रक्चर बेटा देख लें, ये आपको एक और स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे जो रेड आइंस हैं, रेड पॉजिटिव आइंस, ये एक सीक्वेंस में है बेटा, एक लाइन के अंदर अरेंज हो रहे हैं, तो इसलिए लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स तो नहीं है ना बेटा, छोटे आप छोटा सा मेटल का पीस लेंगे उस पर पार्टिकल्स थोड़े होंगे, बिगर स्ट्रक्चर लेंगे उसमें ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स भी नहीं है, आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यहां पर जो मेटल है उसकी दो प्रॉबर्टीज, जो बेसिक जो उसके बेटा फीचर्स हैं कि मेटल्स के जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं और लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने कल आपको आयोनिक कंपाउंड के बारे में बेटा ये बात लिखवाई थी कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके भी जॉइंट स्ट्रक्चर होंगे और उनके भी लैटिस स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है बेटा। अब आप मुझे ये बताएं कि बेटा मेटल्स जो हैं इनके कंडक्टिविटी के बारे में आप क्या कहते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर जी, रीजन बताएं जी, अगर वो पूछता है व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या रीजन बताएंगे? यस, आइंस की बात नहीं करनी भाई, आइंस आर फिक्स, आइंस फिक्स हैं, तो आप लिखेंगे ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप डीलोकलाइज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, ये भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब बेटा हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक तो चले आपको मैंने बता दी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना मेटल की, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो है मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार वो एग्जामिनर आपसे पूछता है एक पेपर में। तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, बड़ा ये वर्ड कभी सुने आपने जी? मैलिएबल का क्या मतलब होता है बेटा? मैलिएबल कैन बी टर्न इनटू शीट्स, वेल डन। और डक्टाइल कैन बी टर्न इनटू वायर्स, इसका मतलब आपने ये पहले पढ़ा हुआ है ना, 8th क्लास में पढ़ा हुआ। गुड, अच्छा बेटा मैं अभी आपको फिर भी समझाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप आयशा आपको भी बताएं ये बात, मैलिएबल का क्या मतलब है और डक्टाइल का? आयशा जी, मैलिएबल का बेटा मतलब जो भी अलीजा ने बताया बिल्कुल ठीक है कि आप मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शीट्स। आप देखें ना बेटा कि जो जनरली हमारे घरों के दरवाजे होते हैं, ये एक शीट होती है ना, ये आयरन की शीट होती है, तो ये आप जो मेटल आपको मिलता है ब्लॉक की फॉर्म में, उन ब्लॉक्स को आप शीट में कन्वर्ट करते हैं, तो टू कन्वर्ट इनटू शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। और डक्टाइल का मतलब है ट्यूब्स बनाना, वायर्स बनाना। लेकिन रीजन बताया कि कैसे, क्यों मेटल्स को आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा क्या है, तो मैं आपको बताता हूं बेटा। देखें, आपको ये तो पता चल गया कि मेटल्स के अंदर पॉजिटिव आइंस की लेयर्स होती हैं, ये बात तो पता चल गई ना आपको जी। और बेटा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्ड भी यूज करते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये आप समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो ब्लू कलर से बेटा आपको शेड नजर आ रहा है, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा, अब होता बेटा ये है कि आप जब यहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बेटा आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं ना मेटल के ऊपर, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, मैं पहले लिख देता हूं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ मेटल, the atoms can slip
our one another. This allows the matter to malleable and ductile. अब बेटा मैंने क्या लिखे देखें, अब जब बेटा यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो एक मेटल की लेयर है ना, ये दूसरी लेयर के ऊपर ना स्लाइड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, ठीक है। और स्लिप करने से देखें आपको इस तरह की डायग्राम मिलेगी, देखिएगा जरा, ये देखें ये एक लेयर स्लिप हो रही है दूसरी लेयर के ऊपर। तो ये जो एक लेयर बेटा आपने स्लिप करवाई है ये वाली, ये है मैलिएबिलिटी के थिन शीट्स में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसी को बेटा आप ट्यूब्स में डक्ट बनाते हैं और वायर्स बनाते हैं। तो बेटा दो प्रॉबर्टीज मैंने अभी तक आपको बताई, पहली प्रॉबर्टी के मेटल्स, ये बेटा आप लिख लें कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्या लिखवाई है कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये दोनों बेटा लिख लिया आपने, हाँ जी बेटा जी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा, अच्छा मुझे ये बताएं, जनरली हमने जो आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की थी उसमें दो कौन सी प्रॉपर्टीज हम करते थे, बस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी, यही दो करते थे ना जी। तो यहां पर भी ये दो ही है लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गई है, मैलिएबल एंड डक्टाइल वाली। अब देखिए मैंने कंडक्टिविटी आपको बता दी है पहले ही कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी बता दी। तीसरी प्रॉपर्टी जो है ना बेटा इसकी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसमें आपको थोड़ी सी डिटेल समझनी है, वो क्या। पहले तो बेटा आप ये समझ लें, मुझे ये बताएं, अगर मैंने बेटा मेटल्स को मेल्ट करना है या मेटल्स को बॉइल करना है तो मुझे क्या चीज ब्रेक करनी होगी, बल्कि मुझे ऐसे बताएं कि कल आपने जो आयोनिक कंपाउंड पढ़ा था, अगर आपने आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है या बॉइल करना है तो आपको क्या चीज ब्रेक करनी होगी बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करनी होगी, नहीं क्या चीज ब्रेक करनी होगी फिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यस गुड, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आप आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो अगर आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है तो यू नीड टू ब्रेक द आयोनिक बॉन्ड। इसी तरीके से इफ यू वॉन्ट टू मेल्ट द मेटल, आप मेटल को मेल्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या ब्रेक करना होगा, क्या इसमें आईएमएफ है, नो भाई, आईएमएफ तो मैंने कहा था सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होगी। तो बेटा यहां अगर मेटल को मेल्ट करना है तो क्या चीज ब्रेक करनी होगी, मेटालिक बॉन्ड, राइट। इफ यू वांट टू मेल्ट द मेटल यू नीड टू ब्रेक द मेटालिक बॉन्ड, ये बेटा बात समझ आ रही है आपको कि मेटल्स को मेल्ट करना है तो क्या ब्रेक करना होगा, मेटालिक बॉन्ड। तो अब जरा सुने कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल समझ लिया बेटा, पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने है जी। बेटा दो तरह के मेटल्स आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे, एक है नॉर्मल मेटल, नॉर्मल मेटल पता है कौन से होते हैं, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, और एक है बेटा ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल पता है कौन से है बेटा, जो ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के दरमियान है, बेटा ये आपको नजर आ रहे हैं ट्रांजिशन मेटल जी, बताइएगा, जिसमें आपको मैं बता सकता हूं, अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में तो आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपको बेटा लाइन मिली है जी। दीज आर दी ट्रांजिशन मेटल्स। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज कॉमन है, जो ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज बताई है ना बेटा, ये दोनों प्रॉपर्टीज कॉमन है, ये तमाम मेटल्स में कॉमन है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंस है। उसमें पहला डिफरेंस, जो ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री के मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ग्रुप वन, टू और थ्री के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो। और जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना,
इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या है, हाई है। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं बेटा, सोडियम देखिए कौन से मेटल में आ रहा है, नॉर्मल मेटल में आ रहा है या ट्रांजिशन में आ रहा है सोडियम? नॉर्मल। आपको पता है सोडियम को आप नाइफ से कट कर सकते हैं, आप छुरी से काट सकते हैं सोडियम को, ठीक है। लेकिन लेकिन जो बेटा आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, इसमें आयरन हो गया, आयरन, क्या आयरन को आप छुरी से काट सकते हैं बेटा, नाइफ से? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री के मेटल्स आर सॉफ्ट, ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री के मेटल सॉफ्ट होते हैं जबकि ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब समझते हैं बेटा? जी। इनका मैसेस कम होते हैं, ठीक है, ये हल्के होते हैं जबकि ट्रांजिशन मेटल्स हैवी होते हैं, हाई डेंसिटी। अच्छा बेटा आगे चलते हैं, इसमें आप लिखें कि ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री के मेटल कैन नॉट बी यूज एज अ कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट समझते हैं क्या होता है, कैटलिस्ट? जी। कैटलिस्ट का मतलब पता है आपको, व्हाट इज कैटलिस्ट? इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। यस। तो बेटा याद रखें ये जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं ना, इनको आप कैटलिस्ट के तौर पर यूज नहीं कर सकते, कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, इनको आप कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। अच्छा जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं ना बेटा, ये वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये लीस्ट रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये डिफरेंस बेटा याद रहेंगे आपको या नहीं रहेंगे? अच्छा वैसे तो जब हम मेटल्स पढ़ेंगे ना बेटा, मेटल्स, तो वहां पर इसको एक दफा दोबारा डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बिल्कुल समरी से बता रहा हूँ, ताकि आपको, अभी मैंने आपको ये सारी चीजें नहीं बताई, जब मैं आपको मेटल्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि जो ग्रुप वन ग्रुप टू के मेटल्स होते हैं ये व्हाइट सॉल्ट बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल कलरफुल सॉल्ट बनाते हैं, तो ये चीजें भी आगे जाके बताऊंगा जब हम मेटल स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ी सी प्रॉबिलिटीज आपको बतानी थी, ये इस चैप्टर में ये भी मैंने ज्यादा बता दी है, बस हम बच्चों को सिर्फ लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, सॉफ्ट और हार्ड का बताते हैं बस। कैटलिस्ट कभी हम जब मेटल्स पढ़ेंगे तो वहां डिटेल देखेंगे इसे। अच्छा बेटा ये बताएं कि अलॉयज क्या होते हैं, व्हाट आर अलॉयज? मेटल मिक्सचर्स। यस, अलॉयज आर द मेटल मिक्सचर्स, मिक्सचर ऑफ टू और more metal is called alloy. But alloy हम क्यों बनाते हैं ऐसे, क्या फायदा है alloy बनाने का? कोई फायदा है alloy बनाने का या नहीं? नहीं पता क्या फायदा है उनको। But alloy बनाने का ये फायदा है कि जो alloys होते हैं ना ये हार्डर होते हैं देन नॉर्मल मेटल। मैं भी आपको रीजन भी बताता हूँ, हार्डर देन नॉर्मल मेटल, अलॉयज आर मोर ड्यूरेबल होते हैं बेटा। तीसरा फायदा कि वो देखने में थोड़ा सा खूबसूरत होते हैं अलॉयज। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो बेटा आपके डोर के ऊपर जो लॉक्स लगे होते हैं, लॉक तो यूज करते हैं, ये क्या प्योर मेटल होता है या ये अलॉयज होते हैं? अलॉयज। ये अलॉयज होते हैं बेटा, ठीक है, मोस्टली ये ब्रास का बना होता है, ब्रास इज एन अलॉय, ब्रास इज एन अलॉय बेटा, ब्रास अलॉय है, और किस चीज से बना होता है? ब्रास जो है ये दो चीजों का मिक्सर होगा, ब्रास में बेटा कॉपर होता है और जिंक होता है, इन दो बेटा मेटल्स को ना मिक्स करते हैं, ऐसे नहीं मिक्स करते थे अंधाधुन, नहीं, कॉपर आप 70% लेते हैं, जिंक आप 30% लेते हैं,
जब इस रेशियो से मिक्स करेंगे तो ब्रास बनेगा, और ये ब्रास बहुत ड्यूरेबल, देखें ये जो डोर हैंडल्स होते हैं ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं ना डेली लाइफ में, लेकिन फिर भी ये देखें ये खराब नहीं होते, क्यों? ये ड्यूरेबल होते हैं भाई। अभी हार्डर क्यों होते हैं, मैं इसकी रीजन आपको बताऊंगा कि व्हाई अलॉयज आर हार्डर, अलॉयज जो है मेटल से ज्यादा हार्ड होते हैं, उसकी रीजन अभी आपको बता दूंगा। इसी तरीके से एक और बेटा आपको अलॉय बताता हूँ, बड़ा ही फेमस है, ब्रॉन्ज, आपने सुना होगा ब्रॉन्ज, यानी सुना नाम, दिस इज अलॉय बेटा, ब्रॉन्ज भी अलॉय है, और ये किससे बना होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक इसमें होता है कॉपर और एक इसमें होता है टिन, और ये मेडल्स में यूज होता है ज्यादा, मेडल्स जो देते हैं बेटा। कॉपर कितना होता है जी, इसमें 90% कॉपर होता है, आपको परसेंटेज याद नहीं करनी, और टिन इसमें 10% होता है, बस आपको ब्रास याद करना है बेटा। ब्रास का एग्जामिनर पूछ लेता है कि ब्रास किन दो चीजों का मिक्सचर है, तो ये आपको याद करना है, ब्रॉन्ज का याद करने की जरूरत नहीं है, ब्रॉन्ज मैंने आपको ऐसे ही बताया। तीसरा अलॉय देखें जो बहुत फेमस है और वो आपसे पूछता है, स्टील, बेटा स्टील किससे बनता है, आयरन और कार्बन से, आयरन होता है इसमें और कार्बन होता है, आयरन 99% कार्बन 1%, इसकी डिटेल हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, आयरन हमारे सिलेबस में है बेटा डिटेल में, वहां पर भी देखेंगे, लेकिन स्टील इज एन अलॉय। इसी तरह आपने एक और बेटा नाम सुना होगा स्टेनलेस स्टील, तो ये सब अलॉयज हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि डेली लाइफ में जो आप यूज कर रहे हैं ना, स्टेनलेस स्टील बेटा कहां यूज होता है बताइएगा जरा, घरों में कहां यूज होता है स्टेनलेस स्टील, स्पून्स में, यूटेंसिल्स, ये जो आपके किचन की चीजें हैं वहां पर स्टेनलेस स्टील, इसमें आयरन क्रोमियम और निकल यूज होता है, ठीक है जी, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अलॉयज बता दिया। अच्छा बेटा व्हाई अलॉयज आर हार्डर, अलॉयज जो है वो प्योर मेटल के मुकाबले में हार्ड होते हैं, क्यों? अब जरा देखिए इसकी रीजन, व्हाई अलॉयज आर हार्डर देन प्योर मेटल। मैं आपको आयरन की एग्जांपल देता हूं, ये क्वेश्चन लिख लें, ये आता है बेटा एग्जाम में, ये आयरन है, अच्छा बेटा आप जब इसके ऊपर हैमरिंग करेंगे ना, जब हैमरिंग करेंगे तो क्या ये एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप हो जाएगी या नहीं होगी, ये मुझे बताएं, हाँ जी बेटा हो जाएगी, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप हो जाएगी, और इसको आप कहते हैं मेलिएबिलिटी, ये मेलिएबल है, लेकिन ये प्योर आयरन है। लेकिन अगर मैं स्टील की बात करूं, स्टील, स्टील में मैंने अभी आपको क्या लिखवाया बेटा, स्टील में क्या होता है आयरन के साथ, कार्बन, कार्बन के एटम, अब देखिए कार्बन के एटम का साइज तो वो नहीं होगा ना, ये कार्बन के एटम है, ये जो ग्रीन कलर से बेटा, दीज आर द कार्बन एटम्स, ये आपके आयरन के एटम है। अब बेटा देखिए मैं अगर हैमरिंग करता हूं यहां से फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या ये लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, मैं लिखता हूं कार्बन एटम, कार्बन एटम डज नॉट अलाउ आयरन एटम्स टू स्लिप, कार्बन एटम, अब क्योंकि देखिए ये कार्बन एटम ने लॉक कर दिया है, लॉक कर दिया है आयरन की स्लिपरी को, खत्म कर दिया है, आयरन स्लिप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये अच्छा ये जो अलॉय है ना ये अब हार्डर है भाई, ये तो स्लिप ही नहीं हो रहा है, इसकी लेयर्स ही नहीं टूट रही, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपके अलॉयज होते हैं वो हार्डर होते हैं देन प्योर मेटल, क्योंकि अलॉयज में लेयर्स
are unable to slide above one another. Alloys में जो layers हैं वो एक दूसरे के ऊपर slide नहीं कर पाएंगी. Got it बेटा? जी. अच्छा बेटा, अब हम ये metals वाला topic पूरा हो गया है. आज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये chapter खत्म ही हो जाएगा और आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीट, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, केमिकल बॉन्डिंग आपको कंप्लीट करना है और मुझे अपने होमवर्क चेक कराना होगा. अभी मैं बेटा क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हमारा एक पोर्शन रह गया था मैं उस पर आ रहा हूँ. कौन सा है वो, ये देखें बेटा, मैंने कोवेलेंट कंपाउंड की ना, कोवेलेंट कंपाउंड्स उसकी आपको दो टाइप्स बताई थी. आपको कहा था कि सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स और दूसरा आपको कहा था जॉइंट कोवेलेंट. याद है या नहीं बेटा, ये बात याद है? जी. सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं जरा मुझे थोड़ा सा याद करवाएं बेटा, और इसकी एग्जांपल्स बताएं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी. शाबाश, बोलें क्या. सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर मैंने ये कहा था कि इनका फिक्स फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स, जैसे कि H2O, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि ग्लूकोज, नंबर ऑफ एटम्स फिक्स हैं, स्पेसिफिक फॉर्मूला है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एवरी स्टेट, चाहे लिक्विड सॉलिड गैस, हर स्टेट में पुअर कंडक्टर हैं. ये प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई थी या नहीं हुई थी बेटा सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड की? हुई थी. अब आज हमने जो करना है दैट इज द जॉइंट कोवेलेंट. एक जो बेटा इनकी ऐसे फीचर्स जो सब में कॉमन है वो मैं लिख देता हूँ, बाकी तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. जॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये एक बेटा इसका फीचर है, प्रॉपर्टी है. दूसरा, हमारे सिलेबस की हद तक जो मैं बात कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, ऑल जॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर conductor of heat and electricity except graphite. ये भी लिख लें, मैं भी आपको समझाऊंगा बेटा. ये कॉमन है प्रॉपर्टीज कि जितने भी जॉइंट कोवेलेंट होंगे ना उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, ग्रेफाइट को छोड़कर तमाम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेटा ये लिख लिए ताकि मैं आपको जॉइंट कोवेलेंट को वन बाय वन हर एक एग्जांपल को डिस्कस कर लूं. जी लिख लिए. अच्छा बेटा, अब जॉइंट कोवेलेंट में कौन कौन सी एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में है वो जरा देखें. जॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड, बेटा इसमें तीन एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में है. एक है डायमंड, बेटा एक है ग्रेफाइट और बेटा तीसरी है सिलिका. ठीक है बेटा, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर मेड अप ऑफ कार्बन. डायमंड और ग्रेफाइट किससे बने होते हैं? कार्बन. बेटा ये इसके नीचे छोटा छोटा लिख लें कि मेड अप ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट के नीचे भी लिख लें मेड अप ऑफ कार्बन. बेटा देखिए दोनों के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों कार्बन से बने हुए हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ना आप एलोट्रॉप बोलते हैं. ये भी मैं भी आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं कि व्हाट इज एलोट्रॉप. व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म. देखिए बेटा ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है कार्बन, और ये एक एलिमेंट आपको डायमंड के फॉर्म में भी नजर आ रहा है और ग्रेफाइट के फॉर्म में भी मिल रहा है. इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एलोट्रॉप, कि जब एक एलिमेंट आपको एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिले तो उन दोनों को आप क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप. तो ये कार्बन जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है ये दोनों क्या हैं, एलोट्रॉप हैं. किसके एलोट्रॉप हैं? कार्बन के एलोट्रॉप हैं.
ठीक है जी। अच्छा अब बेटा हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस, सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं डायमंड का। व्हाट इज डायमंड? डायमंड किससे मिलकर बना हुआ है बताएं, किससे मिलकर बना है डायमंड? कार्बन। कार्बन से मिलकर बना। तो यहां लिखेंगे कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद फोर अदर कार्बन एटम्स। डायमंड बेटा एक जो कार्बन एटम होगा ना वो फर्दर कितने एटम से कनेक्टेड होगा जी? चार एटम से कनेक्टेड होगा। ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद फोर अदर कार्बन एटम्स। यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा, यही पैटर्न रिपीट होगा। मतलब ये एक कार्बन है, आपको ये कभी भी बनाने के लिए नहीं देगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको नहीं कहेगा कि आप ड्रॉ करें, ठीक है जी बेटा। एक कार्बन चार एटम से कनेक्ट, फिर अगला कार्बन फिर चार से कनेक्ट होगा भाई, ऐसे करके फिर अगला फिर चार से होगा, तो ये इतना स्प्रेड होता जा रहा है। मैं आपको जरा गूगल पे इसकी डायग्राम दिखाता हूं। आपको दाके अच्छा ड्रॉ करने के लिए आपको नहीं कहेगा, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज कुछ पूछेगा, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बेटा जरा नोट करें, ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर इसने बनाया है, ये देखने चले बेटा, ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बिल्कुल राइट साइड पे, चेक कीजिएगा जी। हाँ बेटा अच्छा, इसमें आपको बास कार्बन ऐसे मिल रहे होंगे कि आप कहेंगे सर ये तो एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो नहीं भाई, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद फोर अदर कार्बन एटम्स। तो एक कार्बन एटम कितने एटम से कनेक्टेड होगा? फोर अदर कार्बन एटम्स। ये देख लें, आपको एक और दिखाते हैं, ये देखें ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, दीज आर द कार्बन एटम्स। तो बेटा हर कार्बन चार डिफरेंट कार्बन एटम से कनेक्ट होगा इन डायमंड। और बेटा देखें इसमें जो मेन चीज आपको समझनी है ना, बड़े ध्यान से ये बात समझे, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये एक ही मॉलिक्यूल है भाई, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ना ये एक ही मॉलिक्यूल का उसे छोटा सा हिस्सा दिखाया है। क्या आपको इस, क्या बेटा इस मॉलिक्यूल के अंदर IMF होंगी या नहीं होंगी, मुझे ये बताएं। ये जो IMF का वर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये किसके दरमियान होती है? ये होती है बिटवीन टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। क्या डायमंड के अंदर IMF होंगी या नहीं होंगी, मुझे ये बताएं। डायमंड में IMF होंगी? अच्छा चलें, कैसे होंगे बेटा आपके ख्याल में? देखें डायमंड में, मैं इसकी डायग्राम चले ऐसे बनाता हूँ, ये अलबत्ता करेक्ट डायग्राम नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये तो बेटा आगे सेपरेट होता जा रहा है, आपसे तो मैंने कहा था कि जो IMF है, जो IMF है बेटा वो तो दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, ये तो एक ही बड़ा मॉलिक्यूल है जो सेपरेट होता जा रहा है, इसके अंदर तो IMF नहीं होगी ना बेटा, ये तो एक ही मॉलिक्यूल है, विद इन द मॉलिक्यूल तो IMF नहीं होती, इसके अंदर तो ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये वाले। तो याद रखिए बेटा डायमंड के अंदर नो IMF इज प्रेजेंट, डायमंड इटसेल्फ एक बड़ा मॉलिक्यूल, आपके पास अगर एक डायमंड का पीस है ना बेटा तो वो एक ही मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास एक डायमंड रिंग है तो डायमंड रिंग जो है वो एक ही मॉलिक्यूल है, और IMF तो होती है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा डायमंड हैज नो IMF, IMF होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है? तो डायमंड में कोई IMF नहीं है। तो पहली जो प्रॉबर्टी बेटा आपने याद रखनी है कि डायमंड में ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद फोर अदर कार्बन एटम्स। बेटा ये बात आपको समझ आ गई है कि एक कार्बन एटम चार एटम से कनेक्टेड होगा जी। अच्छा दूसरी बात देखें, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कार्बन के पास बेटा, वैलेंस शेल में ना चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कार्बन उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को आगे यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने में, तो क्या कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा फिर या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा,
नहीं होगा बेटा, उसकी रीजन ये है कि कार्बन के पास जो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो चारों के चारों उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। तो डायमंड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आइंस तो है नहीं क्योंकि नॉन मेटल एटम्स हैं, तो इसलिए दूसरी प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे कि डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आइंस तो होते नहीं है इसमें बेटा, डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए पुअर कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये पॉइंट समझ आ गया जी। अच्छा अब तीसरी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मैं फिर बेटा आपको इस डायग्राम पर लेके चलता हूं जो गूगल पर आपको नजर आ रही है। अच्छा बेटा ये बताएं कि ये जो आपको डायमंड का एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है राइट? आप बेटा अगर इसको इस डायमंड के मॉलिक्यूल को ना आप मेल्ट करना चाहते हैं तो आप क्या ब्रेक करेंगे? क्या आईएमएफ ब्रेक करेंगे? क्या इस कैश के अंदर आईएमएफ है? तो आप कहेंगे नहीं सर, आईएमएफ तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, ये तो एक ही मॉलिक्यूल है। क्या इसमें आईएमएफ होगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डायमंड में? नहीं। तो अगर मैं इसको मेल्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या चीज ब्रेक करनी होगी? शाबाश बोलें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आयनिक कंपाउंड में होती है बेटा, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं। बताएं क्या चीज ब्रेक करनी होगी बेटा आयशा, आप बताएं। अगर मैं इस डायमंड को मेल्ट करना चाहता हूँ या बॉइल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चीज ब्रेक करनी होगी? मेल्ट तो ये नहीं होगा, बॉइल ही होगा। क्या क्या ब्रेक करना होगा? बॉन्ड। कौन से बॉन्ड्स? नाम लें। कोवेलेंट बॉन्ड्स। और कोवेलेंट बॉन्ड आपके ख्याल में ब्रेक करना आसान काम है या मुश्किल काम है? मुश्किल है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, देखें लिखने जा रहा हूं कि डायमंड, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद फोर अदर कार्बन एटम्स। दूसरा बेटा मैंने आपको कहा कि पुअर कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डायमंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। Because strong covalent bonds are present between carbon atoms and a lot of energy is required to break that bond. ठीक है। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, आपने कभी किसी मॉलिक्यूल को हाथ लगाया है, किसी मॉलिक्यूल को टच किया है, किसी मॉलिक्यूल को या किसी मॉलिक्यूल को आपने कभी पकड़ा है? आप कहेंगे यस। डायमंड को अगर आपने बेटा, डायमंड एक मॉलिक्यूल है, या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक मॉलिक्यूल है जो पेंसिल के ग्रेफाइट में आपको कल करूंगा इंशाल्लाह। तो ये डायमंड जो है ना इटसेल्फ एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं बेटा। इन जॉइंट कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स है ना, जॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं ना, कि बड़े मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। तो बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मत कहिएगा जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि व्हाई डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां ये नहीं लिखना कि इसमें स्ट्रॉन्ग आईएमएफ है। आपके सामने स्ट्रक्चर होना चाहिए कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हैं। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, व्हाई डायमंड इज वेरी हार्ड। एक और क्वेश्चन बेटा पूछता है कि व्हाई डायमंड इज वेरी हार्ड,
डायमंड इज वेरी हार्ड ड्यू टू दी एक्सटेंसिव कोवलेंट लिंकेजेस. मतलब डायमंड बहुत हार्ड है क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव कोवलेंट लिंकेजेस हैं, इसलिए डायमंड बहुत हार्ड है. इतना सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं है, बहुत हार्ड है. और इसकी हार्डनेस की बेस पर इसके यूजेस क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ. ठीक है बेटा, डायमंड इज वेरी हार्ड ड्यू टू दी एक्सटेंसिव कोवलेंट बॉन्ड. अच्छा, एक्सटेंसिव कोवलेंट बॉन्ड का मतलब देखें, बट ये देखें ना, इसमें बॉन्ड ही बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहे. अगर आपको मैं ये कोर स्ट्रक्चर से सामने लेकर आता हूँ, ये देखें, ये देखिएगा जरा, पर इसमें देखिए आपको बॉन्ड्स ही बॉन्ड नजर आ रहे हैं या नहीं, ये जो ब्लू लाइंस हैं. तो ये एक्सटेंसिव कोवलेंट लिंकेजेस हैं, ये जो डायमंड को बहुत ज्यादा हार्ड बना रही हैं. किसी भी स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे वो उतना ज्यादा हार्ड होता जाएगा, राइट जी. अब बेटा आगे चलते हैं. आज सिर्फ डायमंड ही हो पाएगा बेटा, ग्रेफाइट और सिलिका. मुझे ये बताएं, हम किसी तरीके से कल क्लास अरेंज कर सकते हैं या नहीं, इसी टाइम पर, या जो हमारा प्रॉपर टाइम है कल एक्स्ट्रा क्लास अगर हम एक रख लें. मैं चाह रहा हूं ताकि ग्रेफाइट और सिलिका कल की क्लास में खत्म हो जाए, हमें अगले वीक पे ना जाना पड़े. या पॉसिबल नहीं है? हाँ पॉसिबल है. और आयशा आपके लिए? जी ठीक है. बस ग्रुप में मुझे टाइम बता दीजिएगा, टाइम आप अपनी पसंद का रख लें. कल मतलब सैटरडे है तो मेरी इतनी ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, आप मुझे टाइम अपनी पसंद का बता दीजिएगा दोनों, कि अगर सुबह के टाइम लेना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने शाम को कहीं जाना है तो बेशक सुबह के टाइम क्लास ले लीजिएगा, ठीक है. लेकिन अच्छा वो क्लास, हाँ चलें, क्लास तो फुल्ली होगी क्योंकि मैंने उसमें आपको फिर पास पेपर भी कराने हैं, लेकिन कल लाजमी हम एक क्लास अरेंज करेंगे. अच्छा बेटा, आप इसमें आखिरी चीज, यूजेज ऑफ डायमंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हार्डनेस, हेडिंग दें, यूज ऑफ डायमंड on the basis of its hardness. But आपके ख्याल में डायमंड, एक तो देखें, एक तो ज्वेलरी पर्पज में यूज होता है, लेकिन ज्वेलरी पर्पज में जो डायमंड यूज हो रहा है वो इसलिए यूज तो नहीं हो रहा ना कि वो हार्ड है. अगर इस के लिए यूज करना हो तो आप फिर लोहे की पहन लें अंगूठी, इसलिए यूज नहीं हो रहा, ठीक है. वो तो ज्वेलरी पर्पज में, क्योंकि वो खूबसूरत है, शाइनी है, इसलिए यूज हो रहा है. लेकिन मैं यहाँ जो मैं पूछ रहा हूँ कि यूज ऑफ डायमंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हार्डनेस, कि डायमंड की जो हार्डनेस है उस बेस पर आप डायमंड को कहां पर यूज करते हैं. जी बेटा कुछ पता है तो बताएं. शाबाश. हाँ जी बेटा बोले, शाबाश. कहां पे यूज होगा? किसी चीज तोड़ने के लिए या किसी ने डोर हैंडल बनाना? नहीं, डोर हैंडल नहीं. In cutting tools and in drilling machines. बेटा ये जो drilling machine नहीं होती है, जो जमीन में सुराख करती हैं, digging करती हैं, तो वो जो machine होती है उसकी जो tip होती है ना, tip जो digging कर रही होती है जमीन के अंदर, जो tip होती है वो उसकी diamond की होती है. क्यों? क्योंकि diamond break ही नहीं होता. अगर आप लोहे की tip रखेंगे तो वो break होने के chances हैं, ठीक है. लेकिन जो diamond की tip अगर आप drilling machine में लगाएंगे या cutting tool में लगाएंगे तो वो फिर ब्रेक नहीं होता बेटा. इसलिए आप इसको हार्डनेस की वजह से यहाँ यूज कर रहे हैं. बाकी तो आप डेकोरेशन पर्पज में, ज्वेलरी पर्पज में डायमंड को यूज करते हैं. बेटा बताएं, यहाँ तक समझ आ गया? जी. अब आप लोगों का काम क्या है बेटा? काम सुने, काम आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में जाकर सिर्फ कौन से टॉपिक नहीं करने, ग्रेफाइट, जहां पर ग्रेफाइट और सिलिका आएगा वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे. कुछ बेटा क्वेश्चन सॉल्व किए आपने या नहीं किया अभी तक? शाबाश, ये बताएं. कितने किए? About 6. चलें, अभी आपने बेटा डायमंड वाले भी करने हैं, सिर्फ ग्रेफाइट वाले छोड़ दें. इंशाल्लाह कल के क्लास के बाद आपने फिर केमिकल बॉन्डिंग पूरा करना होगा, ठीक है जी? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.